राम राम जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आज जो है बाइक लिए काफ़ी दिन हो गए, तो उसकी जो है सर्विस करा लेते हैं, क्योंकि ऐसा है सर्विस उस लड़के ने पता नहीं कराई ना ही कराई, इसलिए अपने भरोसे भी चलाने के लिए तो भैया अपनी सर्विस करवानी पड़ेगी। हम पता तो रहेगा कि हमने फला दिन सर्विस करवाई थी, तो चलेगा आज कराते हैं बाइक की सर्विस। और जी ये अपनी बाइक, और इधर राठी जी लगे हुए हैं। इस पर क्या कर रहा है भाई? और क्या कर रही है? हटो तो हटो, हटो दोनों हटो, चलो हटो। तो दोस्तों अब जो है आ चुका हूँ मैं सर्विस सेंटर पर, और अभी जो इस बाइक पे लग चुके हैं अपनी जनता पार्टी लग चुकी है इस टाइम। ये देखेगा कोई कुछ खोल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, और लमड़े केड़े पड़े लग रहे हैं इस टाइम। भाई वाह, लमड़े एकदम एक्सपर्ट है हमारे। तो अब जो है हमारे मेन मिस्त्री जो हैं अमित आ चुके हैं। अमित जो हमारे बचपन का यार है, हम दोनों साथ पढ़े थे छठी सातवीं क्लास में, हम दोनों साथ रहे हैं। और भैया अमित ने जो है ये यहाँ पर शॉप खोली हुई है, तो शुरू से ही मैं मतलब इस साल कहीं सर्विस कराता ही नहीं हूँ बाइक की, हमेशा से जो करवाई अमित के पास ही बाइक कर सर्विस करी है बाइक की, क्योंकि यार यारी में इतना तो होना चाहिए। थोड़ा सा लमड़ा वैसे भी छूट देते हैं हमें, औरों के मुकाबले थोड़ा सा कम कर देता है, इसलिए यहाँ भी कराना सही रहता है। आपसदारी में यही चीज़ होती है बस। अच्छा दूसरा फायदा दोस्तों ये होता है कि अपने आपसदारी में एक तो बंदा तसल्ली सा करता है, बिल्कुल एकदम सर्विस कर रहेगा तो बहुत तसल्ली से होती है, एकदम हर चीज़ की बिल्कुल चेकिंग करते हैं, और इसके जितने भी लड़के हैं ये बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं ये लोग भी। तो दोस्तों अभी इसका फिल्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या हालत हो रही है इसके फिल्टर की। ये देखिएगा कितनी धूल, एकदम ख़राब हुआ पड़ा है फिल्टर एकदम। तो अभी हम डलवाएंगे ये नए वाला फिल्टर, ये देखिएगा एकदम क्लीन, क्योंकि यही चीज़ गाड़ी में जो है फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, तो गाड़ी कोई दिक्कत नहीं देती फिर अगर फिल्टर वगैरह ये सही रहेंगे, चोक होने का खतरा नहीं रहता है फिर। और उधर जो है अभी चोक लगा हुआ है इसके स्पार्क प्लग को साफ करने, ये इसका स्पार्क प्लग है। सही है भाई प्लग तो ठीक है, बिल्कुल प्लग बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बस इसकी क्या थोड़ी सी साफ सफाई कर इसको वापस लगा देंगे इसमें। तो अब जो है नीचे से इसका जो वेस्ट ऑयल है अब उसको निकालने की तैयारी हो रही है। ये देखिएगा कौन सा इसका जो बोल्ट है, इसकी तो ही जो है तेल निकालना शुरू हो जाएगा। ये आ गया जी, यार इतना ख़राब तो नहीं हो रहा तेल वैसे, है काला पड़ रहा थोड़ा वैसे। पहिया निकल चुका है बाहर, पिछले पहिया एकदम बाहर निकाल दिया है, इधर चैन की साफ सफाई चल रही है। ये देखिएगा और अब जो है रिंग की अच्छे से सफाई होते हुए, ये देखिएगा फर्स्ट क्लास सफाई हो रही है। और भैया इसके जो ब्रेक्स भी ख़त्म है बिल्कुल। और दोस्तों इधर जो है फिल्टर असम्बल कर दिया है, फिल्टर लगा दिया साफ, वो बिल्कुल नए वाला फिल्टर लगा है अभी। और इधर ब्रेक शू की चेकिंग हो रही है अभी किसी खराब से, अभी नए डालेंगे, नए डाल ला ना ब्रेक शू, आपको अभी नया ब्रेक शू डालेगा। ये देखिएगा, और जी ये नए ब्रेक शू तैयार लगने के लिए, ये देखिएगा ये हो गए फिट एकदम, लड़का पूरी जी जान से लगा हुआ है। और दोस्तों ये है इंजन ऑयल रिलायंस वालों का है, ये देखेगा, चलो डलवाते हैं इसको भी। और जब इंजन ऑयल गिरने की तैयारी, ये देखेगा हो गई है एकदम प्योर माल गिर रहा है भाई, यही इंजन की जान होती है। और अभी जो है दोस्तों अब जो है इसके लेवल से चेक कर लेते हैं कहां तक आ गया है, कहाँ तक फुल तक है ना, हाँ ऊपर तक है, सही है। अब जो है हम इतने पहिया पूरा कस दिया है अच्छे से, चैन इधर जो है इसकी चैन कवर जो है चैन को चेक कर रहे हैं कि ज़्यादा ढीली या ज़्यादा टाइट तो नहीं है। जो है मोटरसाइकिल की धुलाई शुरू हो चुकी है क्योंकि लाइट आ चुकी है, और ये देखेगा अच्छे से जो इसकी धुलाई हो जाएगी एकदम फर्स्ट क्लास।
और जी बाइक की धुलाई बहुत अच्छे से होते हुए शैम्पू का पानी मार रहे हैं बैठा करके एकदम। ये देखिएगा बाइक बिल्कुल नई कंडीशन की कर दी, लम्बा नहीं एकदम चमका हुआ है। अब जो है दोस्तों ये पुलिस है ये देखेगा, और लड़के ने रख लिया है आगे और अब लगेगी इसकी पुलिस। और दोस्तों ये है लीद कोरा, क्योंकि इसका जो लीद कोरा ही फट गया है ये देखिएगा, आप लोग देख पा रहे हो ये रहा, ये फटा पड़ा है इसका लीद कोरा। मैंने भी यार नाम पहले सुना है लीद कोरा का, मैं तो भैया यू अच्छा भैया कंपनी भी होरो ही तो हीरो होनी चाहिए रे भाई साहब, ये तो फर्जीवाड़ा है, तो होरो हो रहा ये तो हीरो होना चाहिए यहाँ भी फर्जीवाड़ा। चलो भैया डाल लो पैसे भी। और इधर अब जो है पुलिस लगकर गड्डी की चमक शुरू हो चुकी है, चमकाई जाएगी एकदम। अपनी इसका जो बिल बनवा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या हुआ है। हाँ भाई बोल बोल के अच्छा फिल्टर के बैठे प्राइस 190, ब्रेक से बैठे हमारे 150, लीड खोरा 20 रुपये की, मोबिल एन बैठा हुआ 300 रुपये का, सर्विस का चार्ज बैठा हुआ 150। और जी ये ओ भाई साहब 800 रुपये चार्ज। अच्छा मुझे छूट कितने की मिल रही इसमें, छूट भी लिख के लगे छूट मिले तो नहीं भाई छूट भी लिख रहे, बता रहा हूँ पहले यारी का मामला वैसा है, देख कितनी छूट दे रहे हो, 10 रुपये छूट दे रहा है पागल लमड़े करते हैं ऐसी। तो भैया अभी छूट करवाते हैं दोस्तों, हम छूट में तुम्हें नहीं दिखाना हो क्योंकि यू एक छुपाने वाली बात है। अब जो है लमड़ों ने एकदम बेहतरीन चमका दिया बाइक एक नंबर की। अभी तुम्हें मिलवाता हूँ अपने चचा जान सतीश चपराना से, और इनके पास काफ़ी प्रोडक्ट हैं कृषि से संबंधित। तो ये हमारे सतीश चपराना हमारे चचा जान है, इधर हमारे भाई अनिल चपराना जी। तो चचा जान दर्शकों क्या कहना चाहोगे आप खेती बाड़ी से संबंधित, किसी के यहीं क्या मानना चाहिए आजकल टाइम चल रहा है, अनिल भाई बताओ। दर्शकों से कहना यूँ है, हमारे सतीश भाई हैं, पांचवी दुकान है, एक लंबर दवाई कुछ भी चीज़ ले लो लंबर वन दवाई मिलती है। तो चचा जान आप क्या कहोगे इस बारे में? मैं भैया ने कह दी हुई भैया हमारा तो यही है, किसान की सेवा के लिए बैठे हैं, ओरिजिनल चीज बैठे हैं किसानों के साथ हैं। और अभी हमारे आशीष भाई भी आ चुके हैं, आशीष भाई से भी पूछ लेते हैं कि आशीष भाई आजकल जो चल रहा है ईद का कार्य चल रहा है उसमें क्या लगाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि आशीष भी बहुत बड़ा जमींदार है हमारे गांव का। तो आशीष भाई हमारे दर्शकों आप बताइएगा कि गांव अभी जो ईद का चल रहा सीजन तो क्या लगाना चाहिए किसानों को? हमारे तो डॉक्टर साहब सतीश भाई हैं। अच्छा दोस्तों आपको बता दूं हमारे जो सतीश चचा है इन्होंने 5 साल जो कृषि मंत्रालय में जॉब की है, उसके बाद अब रिटायरमेंट होने के बाद में इन्होंने अपनी शॉप खोल दिया है। तो ये आपके बहुत मतलब प्रोडक्ट के बारे में इतनी जानकारी है भाई साहब बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी पास हर तरह का प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये देखेगा। अच्छा वो पिछले कैमरा दिखा था इसे उल्टा चमक रहा होगा। और जी ये देखेगा हर प्रोडक्ट अवेलेबल है यहाँ पर, हर किसी भी तरह की दवाई हो सभी मिलेगी यहाँ पर। ये देखिएगा ये देखिएगा ये देखो जल्दी एक समय और बढ़ गया जल्दी पैसे। और जी ये देखिएगा काफी प्रोडक्ट है भाई, अभी आपको अभी लेके चलते हैं गोदाम में अंदर, हमें गोदाम में भी बहुत माल घुसा हुआ है वहाँ। और जी ये फटेरा है ये देखिएगा, और ये और जी ये बेहतरीन प्रोडक्ट है एकदम, एक बार किसान में घेरा तो मतलब रिजल्ट अच्छा रहा इसका, इससे बढ़िया रिजल्ट नहीं चीज़ का। अच्छे तो चलेगा अभी आपको गोदाम में लेकर चलता हूँ। और जी ये गोदाम है हमारे चाचा का, ये देखिए यहाँ पर मतलब हर चीज हर दवा का प्रोडक्ट है बिल्कुल एकदम, ये देखिए भरा पड़ा है गोदाम पूरा एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसान भाइयों। तो आप एक बार आइएगा आपको हर चीज की सुविधा मिलेगी यहाँ पर, कोई मतलब आप लोगों को खाली हाथ नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी। और दाम की बात करूं दाम बहुत सीमित तरीके से बताएंगे आपको, ये भी नहीं कि लूट रहे हैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहीं भी पता कर लिए दाम बहुत अच्छे लगाएंगे। तो ये देखिएगा आप पूरा गोदाम भरा हुआ है, और अभी मैं आपको दूसरे गोदाम में लेकर चलता हूं। और ये दूसरा गोदाम है, आज इस गोदाम में माल आने वाला है, माल का ऑर्डर जो कर दिया है चाचा ने।
और जो है हमने सतीश चाचा का जो प्रचार करता भैया, हमारे चाचा ने खुश होकर आज जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह समोसे हैं, मिठाई है, ये देखेगा धर्म का ये भैया पूरा अड़ंगा बिल्कुल मंगाया है। अभी अभी खोल के आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज है। और जी अब कोल्ड ड्रिंक होते हुए, क्योंकि भैया सतीश चाचा जो है हमारा इसे पीता है। और जी ये देखेगा, ये मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, बहुत बढ़िया। चाचा जान बहुत बढ़िया मजे खड़े कर दिए चाचा जान ने आज। तो जी अब हम आ चुके हैं सर्विस करवा कर बाइक की सुंदर डेयरी पर। और अब हम आज हमारा जो विचार बनना ना धाने का बनना है कि ट्वेल है हमारे यहाँ पर, काफ़ी बड़ी ट्वेल है, स्विमिंग पूल ही बोलते हैं वैसे हम उसे। तो अभी चल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो ट्वेल कैसी है, मतलब गहरी भी काफ़ी अच्छी बनना, चार साढ़े चार पाँच फुट तक गहराई है उस ट्वेल की। तो चलो निकल। तो दोस्तों अब जो है जनता पार्टी अपनी बैठ चुकी है बाइक पर, आसमान ये पीछे तानी, और जी इधर देवेंद्र बाइक निकालते हुए अंशुल हो जाएगा। तो चलेगा निकलते हैं। अब जो है हम आ चुके हैं उस ट्वेल्व पर, लेकिन भाइयों लाइट गई है, भागी हुई लाइट है, देखिएगा बंद पड़ी, कितनी बड़ी ट्वेल्व है ये देखिएगा। और अभी सभी बच्चे जो हैं इंतजार में लाइट के। तो अब जो है दोस्तों बच्चों ने जो है इस पानी में नहाने का मना कर दिया कि लाइट आ गई काफ़ी देर में, तो कब तक इंतजार करते। तो भैया आप सीधे निकल रहे हैं घर के लिए। और ये हमारे गाँव का सरकारी अस्पताल, और इधर ये स्टेडियम बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिएगा ये स्टेडियम बना है। और उधर जो है धन सिंह कोतवाल होमगार्ड सेंटर है, ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है यहाँ पर। तो घर ही नहाना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में तो नहा लिया जो ट्वेल्थ सी में। तो भैया अब घर में ही ठंडे ठंडे पानी में समरसेबल में नहाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट यहाँ की भी भागी हुई अब आने वाली है। ये देखे दोनों बंदर क्या कर रहे हैं, पराठी जी और परू चीची खा रहे हो, यू क्या है भाई ट्रैक्टर, ये देखो विराई ट्रैक्टर। तो भैया लड्डू तो सो रहा है, तो चलेगा नहाने करते तैयारी, अपने ही नहा लिया भैया, नहा पसीने में तरो दिया, नहा दो, नहाना धोना एक सही रहेगा बिल्कुल। अब जो है निकलते हैं सीधा ड्यूटी के लिए, क्योंकि लाइट आ नहीं रही आज पूरे दिन से, लाइट गायब है, अपना ड्यूटी पे चल रहा है अपना, वहीं नहाएंगे धोएंगे। तो चलेगा निकलते हैं सीधा ड्यूटी के लिए। अब आ चुका हूँ मैं अपनी ड्यूटी पर, और ड्यूटी पर आने के बाद में टिंकू मुझे एक काम बताया गया कि भाई ऐसा करना कि ये जो ट्रेंच ये प्लेट से उतारी है, जो केबिल है, केबिल का मुझे कनेक्शन देखने हैं कि कौन सा कनेक्शन यूपीएस में जा रहा है और कौन सा हमारे मेन मशीन में आ रहा है। तो इस ट्रेंच प्लेट का इसका ये पता करने के बाद में फिर दूसरा काम है, एक ट्रेंच प्लेट हो रहा है उसमें भी देखना है जो ये वाली है, तो यहाँ पर कितने केबिल है, ये तीन केबिल जा रहे हैं इसमें। तो इसके हिसाब से ही फिर जो नया हमारा केबिल डलेगा ना इस नई मशीन के लिए, तो उसका काम फिर शुरू होगा। और जो दूसरा है इसका ये जो एक यहाँ पर आगे निकलेंगे एक केबिल, ये सीधे बिल्कुल इसमें होते हुए सीधे तरह से नहीं हो जाएंगे इस वाले पीएलसी में, तो इसका पता निकालना है बस मुझे, मेरा ये काम है। और दोस्तों तो चलो लगता हूँ मैं तो अपने कार्य पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की हमारी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी अगली वीडियो में।